तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में ऐसे कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको नहीं करनी है। कई सारे लोग इन गलतियों को दोहरा देते हैं, जिसका कारण उन लोगों को बिल्कुल भी कॉलेज नहीं मिल पाता। और मैं अगर फाइनली बात करूँ तो चाहे उनका कितना भी अच्छा नंबर हो, कितना भी अच्छा रैंक क्यों ना हो, वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते। तो काउंसलिंग संबंधी कौन कौन सी जानकारियाँ हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो आइए उन सभी के बारे में हम आपसे बताते हैं। काउंसलिंग में जो सबसे पहले आपकी जो गलती है, जो कई सारे स्टूडेंट करते हैं, वो तो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि साइबर कैफे वाले को कॉलेज लॉक करने को ना दें, ठीक है। जो आपके पास जो पहली गलती होती है, कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है, तो साइबर कैफ़े वाले को कह देते हैं कि सर कॉलेज और ब्रांच फिल कर दीजिए। तो कॉलेज और ब्रांच फिल करने के लिए कहने का मतलब ये है कि साइबर कैफ़े वाले को आप काउंसलिंग करने के लिए ना दें। काउंसलिंग तो एक्चुअली में वही करेगा, लेकिन मर्जी आपकी होनी चाहिए। अभी देखिए, अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपसे कॉलेज और ब्रांच की जब लिस्ट पूछी जाएगी, या फिर डायरेक्टली अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा, आप कॉलेज और ब्रांच के नाम को लिख करके नहीं लेकर गए रहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि साइबर कैफे वाले अपने मर्जी से कॉलेज और ब्रांच भर देते हैं। उनको तो कोई आइडिया होता नहीं है कि कौन सा ब्रांच अच्छा है या फिर कौन सा ब्रांच बुरा है, बस भर दिया तो भर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको वही ब्रांच मिलता है, क्योंकि जेकब का यह एल्गोरिथम होता है, ठीक है। दूसरा आपको यह है कि सरकारी कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फील करें। जो दूसरा है, कई लोग करते हैं कि सरकारी कॉलेज फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जो सरकारी कॉलेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा फील करें। सरकारी कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फील करने का लाभ ये होता है कि जो आपका काउंसलिंग में चॉइस फील और चॉइस लॉक करने का जो ऑप्शन है, चॉइस फील करने का या फिर जो चॉइस लॉक करने का ऑप्शन है, वो फर्स्ट राउंड तक ओपन रहेगा। और इसी फर्स्ट राउंड के आधार पर, फर्स्ट राउंड के चॉइस फीलिंग और लॉकिंग के आधार पे सेकंड राउंड का कॉलेज मिलेगा, और इसके साथ ही साथ थर्ड राउंड का कॉलेज मिलेगा। यानी कि आपने अगर एक बार कॉलेज को फील कर दिया है तो आप दोबारा कॉलेज को फील नहीं कर सकते हैं थर्ड राउंड तक। थर्ड राउंड के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, और थर्ड राउंड तक आपको पता है कि 60% सीटें आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज की फील हो जाती है, भर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कि फ्रीज फ्लॉट के ऑप्शन को ध्यान से चूज़ करें, ठीक है। फ्रीज तथा फ्लॉट का ऑप्शन आपका, आपको मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराया और उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है फ्रीज का और एक ऑप्शन रहता है आपका फ्लॉट का। फ्रीज और फ्लॉट का पहले मतलब समझिए। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज और ब्रांच में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप फ्रिज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, जो भी आपने ब्रांचेस सेलेक्ट किया है, उस कॉलेज और ब्रांच में आप बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फ्लॉट का ऑप्शन हो गया और ये आपका फ्रीज का ऑप्शन हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्लॉट कराते हैं तो फ्लॉट कराने के बाद का नियम ये रहता है कि आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट हो सकते हैं, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, कॉलेज फिर से लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए फिर भी आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आपको फ्लॉट का ऑप्शन पे क्लिक करा के नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपको करानी है, ठीक है। ये तब तक करानी है जब तक को आपका मनपसंद ब्रांच नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रीज फ्लॉट के ऑप्शन पे आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ध्यान से आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा आपका गलती होता है, वो होता है कि कई सारे लोग रैंक के अनुसार कॉलेज नहीं भरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि रैंक के अनुसार ही कॉलेज फील करें। कॉलेज को भरें आप, लेकिन वो आप रैंक के अनुसार भरें। यानी कि अगर आपका बहुत अच्छा रैंक है तो फिर आप लो लेवल के कॉलेज और ब्रांचेस को फील ना करें, क्योंकि जीकप का कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं सीधे तौर पर बताता हूँ कि आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, चाहे आपको कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना हो। अगर आप देखें कि आपका रैंक परफेक्ट है, अगर आप देखें कि आपका नंबर परफेक्ट है, तो आपको तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और तो ऐसे में सिर्फ आपको क्या करना है कि टॉप के कॉलेजेस में ही कोशिश करना है कि आपका एडमिशन हो। इसलिए रैंक अनुसार ही कॉलेज फील करें। पांचवी चीज़ आपकी ये होती है,
कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो 3,000 रुपये की जो फीस की रसीद होती है उसकी रसीद ले लीजिएगा, और आप 3,000 रुपये तभी किसी भी कॉलेज में फ़ीस के तौर पे सबमिट करिएगा जब आपको एक बात पता लग जाए कि हमें यह कॉलेज और ब्रांच पसंद है। क्योंकि मान लीजिए वो ब्रांच और कॉलेज आपको पसंद नहीं है, फिर आपने 3,000 रुपये दे दिया तो फिर आपका वो जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है, 3,000 चले जाएंगे आपके। 250 रुपये जो आपके हैं ये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग कहीं सबमिट ना करें। 250 आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा और आपको जो है 100% वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना है और उसकी रसीद जो है ले करके जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखानी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने 20 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में एक बार जा करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है।